दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A6 के बारे में। आप यहां पर सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है सैमसंग गैलेक्सी A6 और इस मोबाइल के अंदर में गूगल अकाउंट मांगा जा रहा है, यानी कि FRP लॉक लगा हुआ है इस मोबाइल के अंदर में। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस मोबाइल को अगर आप बाईपास करना चाहें तो ये मोबाइल आप बाईपास नहीं कर पाएंगे। और इस मोबाइल को मैं आपको जो ट्रिक दिखाने वाला हूं ओडिन टूल के माध्यम से, कि आप ओडिन टूल से किस तरह से इस मोबाइल का FRP जो है रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम आपको मोबाइल को ऑन करके दिखाते हैं इस मोबाइल के अंदर में, कि इसमें जो है गूगल अकाउंट मांगा जा रहा है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि ये मोबाइल जो है कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। चलिए इसे नेक्स्ट करके हम आपको दिखाते हैं। आप यहां पे देख सकते हो कि इस मोबाइल के अंदर में जो है FRP लॉक है लगा हुआ, इसमें गूगल अकाउंट मांगा जा रहा है। तो इस मोबाइल को बाईपास करने के लिए, यानी कि इसका FRP रिमूव करने के लिए आपको मोबाइल को ऑफ करना होगा। और इसके अंदर में होम की नहीं है, इस मोबाइल के अंदर में होम की नहीं है, ओनली वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर की है। तो इस मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर ले जाने के लिए आपको मोबाइल को ऑफ करना होगा। मोबाइल को ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों को कंटिन्यू सेम टाइम प्रेस करेंगे, उसके बाद डाटा केबल लगाएंगे, ये मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है आपका डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ओडिन टूल से किस तरह से इस मोबाइल को हम जो है इसका FRP निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके पास तीन चीज होना चाहिए, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन फाइल होना चाहिए और एक आपके पास फ्लैश फाइल होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं मेरे पास कॉम्बिनेशन फाइल भी है और फ्लैश फाइल है, इसे मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। और ये फाइल बिल्कुल टेस्टेड है। इस फाइल की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस फाइल से जो है इस मोबाइल का जो है FRP निकाल सकते हैं। और इस तरीके से कई और सैमसंग मोबाइल का भी आप FRP निकाल सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपके पास लेटेस्ट ओडिन टूल होना चाहिए और लेटेस्ट फ्लैश फाइल होना चाहिए सैमसंग का, और टेस्टेड कॉम्बिनेशन फाइल होना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन फाइल आपका काम कर रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन फाइल आपका काम नहीं कर रहा है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जब मैं आपको मोबाइल में दिखाऊंगा OEM अनलॉकिंग करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ओडिन टूल ओपन कर लिया है, उसके बाद चलिए कॉम्बिनेशन फाइल को हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इस मोबाइल को हम कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करेंगे। तो कॉम्बिनेशन फाइल से जो फ्लैश करेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं मोबाइल डाउनलोड मोड पर लग चुका है। चलिए हम इसे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इस मोबाइल को कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करना है। आप यहां देख सकते हैं कॉम्बिनेशन फाइल से मैंने फ्लैश किया इस मोबाइल को, और कंप्लीट ये मोबाइल जो कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश हो रहा है, ठीक है। तो आपको पूरे कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करना है। इसमें आपको ये नहीं करना है कि आपको बूढ़ी में से करना है, किसी और में से करना है, नहीं, आपको टोटल पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश कर देना है ओडिन टूल से, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ओडिन टूल से फ्लैश हो चुका है और ये पास लिख चुका है। अब मोबाइल कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस तरह से आपका मोबाइल ऑन होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप और भी सैमसंग का मोबाइल जो है और भी कोई और अदर मॉडल का भी आप जो है FRP निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पे कि मैंने ओडिन टूल से जो है इस मोबाइल को कॉम्बिनेशन फाइल से, यानी कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन फाइल से मैंने इसे फ्लैश कर दिया। और उसके बाद इसका आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका लोगो कुछ इस तरह से दिख रहा है। आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर के आपको इसका जो बिल्ड नंबर पे जो है 7 बार टैप करना है, ठीक है। बिल्ड नंबर पे 7 बार टैप करेंगे तो इसका डेवलपर जो है वो इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डेवलपर इनेबल हो चुका है। उसके बाद बैक करेंगे, तो बैक करेंगे सामने आपको डेवलपर दिखाई दे रहा है। डेवलपर पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है इसमें OEM अनलॉकिंग का, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोई भी कॉम्बिनेशन फाइल से अगर आप फ्लैश कर देंगे तो OEM अनलॉकिंग इनेबल आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका हाइड रहेगा, दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। तो अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन फाइल रहेगा, यानी कॉम्बिनेशन फाइल अगर आपके बैंडी से मैच कर रहा है, तो आपको ये OEM अनलॉकिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप इसे इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपका OEM अनलॉकिंग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा था, आप समझ लीजिएगा आपका मोबाइल का जो है बाईपास हो जाएगा, यानी कि FRP रिमूव हो जाएगा। अगर OEM अनलॉकिंग ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है कॉम्बिनेशन फाइल फ्लैश करने से, तो आप समझ जाइएगा आपका वो कॉम्बिनेशन फाइल जो है इसके बैंड्री से मैच नहीं कर रहा है। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि OEM अनलॉकिंग इनेबल कर देना है, मोबाइल को ऑफ कर देना है फिर से, और ऑफ करने के बाद फिर से आपको मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जितने भी मोबाइल में होम की दिया हुआ नहीं है, तो उसको आप वॉल्यूम प्लस माइनस दबा करके मोबाइल को ऑफ करके केबल लगाएंगे, डाउनलोड मोड पर आपका मोबाइल चला जाएगा, ठीक है। और जिसमें होम की दिया हुआ तो उसको आप डाउनलोड मोड पर डायरेक्ट ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चलिए मैंने अभी पहले कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश किया था, अब इस कॉम्बिनेशन फाइल को मैंने हटा दिया यहाँ से ओडिन टूल से। उसके बाद चलिए हम इस टूल में जो है फ्लैश फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो फ्लैश फाइल हमको सिर्फ AP फाइल सिलेक्ट करना है, ओनली AP फाइल। चार फाइल है इसमें, लेकिन चारों फाइल हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ओनली AP फाइल से इस मोबाइल को फ्लैश करना है, ठीक है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले मैंने कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश किया, उसके बाद मोबाइल के सेटिंग में जा करके उसका डेवलपर ऑप्शन पे 7 बार जो है क्लिक करके उसका डेवलपर जो है मैंने बाहर कर दिया, इनेबल कर दिया उसे, ठीक है। उसके बाद OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन उसमें मिला हमको, उसे हमने इनेबल कर दिया। उसके बाद मैंने मोबाइल को ऑफ किया, फिर से मैंने मोबाइल को डाउनलोड मोड पर लगाया, उसके बाद फ्लैश फाइल सिलेक्ट करके ओडिन टूल से फिर से हम जो इस मोबाइल को फ्लैश किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल फ्लैश हो चुका है, पास हो चुका है। चलिए अब हम आपको मोबाइल को दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोबाइल जो है कंप्लीट, अब ये ऑन हो रहा है, ठीक है। अब इस मोबाइल के अंदर में जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको कम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करना है, उसके बाद आपको फ्लैश फाइल से फ्लैश करना है, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल को कुछ करना ही नहीं है, आप सेटअप कर सकते हैं इस मोबाइल का। अब यहाँ पे इस मोबाइल में कोई भी जो है FRP नहीं मांगा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मोबाइल में कोई भी FRP अब नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी अदर मोबाइल का भी, यानी अदर मॉडल का भी, सही सैमसंग के कोई अदर मॉडल का भी जो है FRP निकाल सकते हैं इस तरीके से ओडिन टूल से। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपका UMT डोंगल एक्सपायर लिख रहा है और कॉन्टेक्ट रिसेलर लिख रहा है तो आप डायरेक्ट जो है हमारी वेबसाइट पे जाकर के वहां पे अपने UMT डोंगल को जो है बाय कर सकते हैं एक्टिवेशन करने के लिए, और 2 मिनट में आपका एक्टिवेशन हो जाएगा हमारी वेबसाइट से, ठीक है। और उसकी वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो फ्लैश फाइल और कॉम्बिनेशन फाइल की भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।